अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना शेफ यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही स्पेशली रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए। वो स्पेशली इसलिए कि ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो जिसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल फील होता है, तो उसकी क्रमिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है। जी हाँ, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आज जिंगर बर्गर। तो आज देखते हैं कि जिंगर बर्गर एक्चुअल रेसिपी उसकी क्या है और उसको क्रमिंग कैसे की जाती है। और बहुत फेमस बर्गर है ये, जिसको लोग बड़े शौक से खाते हैं और घर में भी बना के खाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ये बर्गर कैसे बनता है, उसकी क्रमिंग कितनी अच्छी और बेहतर कैसे हो सकती है, मैं वो आपको बताऊँगा कैसे करनी है। यहाँ पर मेरे पास थाई है मौजूद, ये मैंने थाई के दो पीस ले लिए हैं। मेक श्योर ये करना है कि जिन लोगों को जिंगर के बारे में नहीं पता या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो आपने थाई का इस्तेमाल करना है। जो हमारा लेग पीस होता है उसका हमने ये ले लिया है ब्रेस्ट, ऐसे करके थाई का एक पीस। तो इसको हमने इसकी सफाई कर लेनी है, तो इसकी जितनी ये फैट है एक्स्ट्रा वो हमने उतार देनी है इस तरह से, ऐसे करके ये हमने इसको साफ कर लिया, क्लीन कर लिया। तो इसकी सबसे जो मेन चीज़ होती है जिंगर बर्गर के अंदर वो इसकी होती है क्रमिंग। तो काफ़ी लोगों को तो इस तरह से आपने सफाई करनी है। बेसिकली मेरा मकसद ये था आपको बताना कि काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि ठंडे पानी में डिप करें, इसकी क्रमिंग इसलिए अच्छी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी रेसिपी सही नहीं है, तो इस तरह के काफ़ी मामलात होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठंडे पानी की या किसी भी किस्म की। तो जिंगर बर्गर कैसे बनाते हैं तो मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो ये देखें जी, मैंने अपनी थाई को साफ़ कर लिया, ये मैंने इसको क्लीन कर लिया, इसकी एक्स्ट्रा फैट मैंने उतार दिया। तो आपने इस तरह से कट कर देना इसको, तो इस तरह से करके आपने कट कर देना, ताकि जो अभी मैं मैरिनेशन करने वाला हूँ इसके अंदर, तो वो इसके अंदर अच्छे से चली जाए। तो यहाँ पे जी मैं अगर इंग्रेडिएंट दिखाऊँ, तो सबसे पहले मेन फ्लावर है मेरे पास, प्लेन फ्लावर है, फ्लावर ले लेना आपके पास। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल मौजूद है, रेड चिली मेरे पास ये क्रश वाली मौजूद है, और मेरे पास यहाँ पे टिक्का मसाला मौजूद है, और यहाँ पे मेरे पास सिरका मौजूद है, और यहाँ पे ये है मेरे पास रेड चिली पाउडर है, तो यहाँ पे गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, और मेरे पास सॉल्ट है, और नमक है मेरे पास ये वाला। तो अभी मैं इसकी मैरिनेशन आपके सामने बना रहा हूँ, तो देखिए मैं मैरिनेशन किस तरह बनाता हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल अपना डाला है, 3 टेबल स्पून। थ्री टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून गार्लिक, 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ नमक, 1/2 टीस्पून, ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास ये टिक्का मसाला है, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड कर दिया। और ऐसे ही मैंने रेड चिली पाउडर है मेरे पास, 1 टीस्पून मैंने टिक्का मसाला और इसमें डाली है मैंने रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास दड़ा मिर्च है, जिसको हम बोलते हैं क्रश मिर्च है लाल वाली, वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। तो ये हमारा जो सिरका है ये मैं इसमें डालूँगा 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका ऐड कर दिया इसमें। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगा इस तरह, विक्स के साथ ऐसे विक्स किया मैंने इसको। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमम मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगा मैरिनेशन के अंदर, ताकि इसके अंदर तक अच्छी तरह जज्ब हो जाए इसकी मैरिनेशन, और इसका टेस्ट भी आ जाए इसके अंदर। ये देखें, ये बड़ी ही ज़बरदस्त मैंने ये देखें होगी इसकी मैरिनेशन। और ये मैंने इसके अंदर डिप कर दिया जिंगर बर्गर का जो पीस मैंने लिया था थाई का, यहाँ पे इस तरह से करके। और मैं इसका आपको बताऊँगा कि ये सिंपल नहीं है। एक तो मैरिनेशन हमने इसकी की है थाई की, जिसमें हमने इसको थाई को डिप कर दिया, और नेक्स्ट मैरिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने प्लेन फ्लावर लिया उसके अंदर भी बेसिकली चीज़ें डलती हैं, यही सारी मेन चीज़ें उसमें भी डलेंगी, ताकि उसकी क्रमिंग ज़बरदस्त लगे, उसका टेस्ट भी आए आपको। ऐसा नहीं है कि आप चिकन में सारी मैरिनेशन कर दें और आप जब क्रमिंग करें तो आप प्लेन फ्लावर इस्तेमाल करें और प्लेन फ्लावर आपको बिल्कुल फीका लगे, उसमें आपका टेस्ट ना आए। तो मैं इसी तरह आपके सामने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और इसको मैं अभी टाइम दूंगा, तो मैं देखता हूँ कि मैंने प्लेन फ्लोर में क्या क्या डालना है, आप देखिए मेरे साथ आइए। थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब अभी फ्लोर की मैरिनेशन करने लगा हूँ, इसमें मैं डालता हूँ क्या क्या मैंने डालना है। तो क्रमिंग के लिए जो मैंने फ्लोर लिया, प्लेन फ्लोर लिया, तो इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ 1 टीस्पून के करीब मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि सॉल्ट कम ना लगे। और मेरे पास यहाँ पे क्रश चिली जो मैंने उसमें मैरिनेशन में भी डाली है वो डाल रहा हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास ओरिगानो अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास रेड चिली पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे रेड चिली पाउडर अवेलेबल है तो मैं रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरह से करके 1/2 टीस्पून के करीब। तो ये देखें जी, मैंने अपना फ्लावर रेडी कर लिया, ये क्रमिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया बड़े अच्छे तरीके के साथ, इस तरह मिक्स कर लिया ताकि सॉल्ट जो भी आपने डाला है, चिली डाली है आपने, वो फ्लावर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए इस तरह से करके। तो मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई ठंडा वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आइस वाला पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका बेसिकली जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसे बनना है। अभी मैंने अपना थाई का जो पीस है वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो रेडी होगा, उसका टाइम कम्प्लीट होगा, तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि इसकी क्रमिंग अब हमने कैसे करनी है। माशाल्लाह, मेरा थाई का जो पीस मैंने मैरिनेट करके रखा था थोड़ी देर पहले, ये बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको सिंपली इस फ्लावर में जो मैंने अभी मिक्स किया है तो इसके अंदर मैं डिप करूँगा, इसको इस तरह से क्रमिंग कर लूँगा इसकी, एक दफ़ा मैंने इसकी कर ली इस तरह से। और जो बेसिकल टूल है ना इसका, जिंगर आपको क्रमिंग करने का, वो मैं एक बात आपको बता दूँ कि ऐसा है कि आप इसकी, अगर मैं सिंपल जबान में कहूँ ना, कि आप जितना इसको रोलेंगे ना उतनी क्रमिंग इसकी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जिस तरह के इसके साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ ना, इस तरह से आप ज़्यादती करेंगे इसके साथ तो बहुत अच्छी क्रमिंग इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो ये मैंने इसकी क्रमिंग की है, ये देखें एक दफ़ा से। और मेरे पास यहाँ पर सिंपल वाटर है, रूम टेम्परेचर वाटर है, आइस नहीं मैंने डाली हुई इसमें, तो मैंने इसमें इसको सिंपली इस तरह से डिप किया ऐसे करके, ये मैंने डिप करके ये मैंने दोबारा से उसमें डाल लिया। तो आप कोशिश करें, अगर आप नए हैं पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ये अपना जो मैदा जिसमें मैंने डाला हुआ है बॉल थोड़ा सा खुला वाला ले लें, यानी कि आपको थोड़ी सी आसानी हो इसमें करने के लिए। ये देखें, आप ये टिप्स इस्तेमाल करेंगे ना जिंगर के लिए, तो जितनी टिप्स आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बेहतर लुक आएगी आपके जिंगर को। आप कोशिश करें कि आप टिप्स इस्तेमाल करें जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करते हैं। ये देखें, तो आपने इसी तरह करना है, 2 से 3 मिनट आपने ये प्रोसीजर करना है इस तरह। आप जब प्रोसीजर आपका ये डन हो जाएगा तो फिर आपने सेकेंड टाइम के लिए इसको अगेन आपने डिप करना है। ये देखें अभी क्रमिंग हो रही है इसकी, बड़ी ही ज़बरदस्त क्रमिंग हो रही है। जब ये फ्राई होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी आपने डीप फ्राइड करना है, चिकन को करना है, या जिंगर आप कर रहे हैं, या आप कोई और चीज़ जी, तो इस तरह से आप करते रहें इसको। 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है आपका, आप इसको कंप्लीट करें। ऐसे ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा जिंगर तैयार हो रहा है। जितना आप ज़्यादा लंबा प्रोसीजर इसको करेंगे इस तरह से करके, जितना ज़्यादा क्रमिंग करेंगे फिंगर टिप के साथ, तो वैसे ही ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह, क्रमिंग अच्छी होगी इसकी। तो ये देखें जी, मेरा थाई का पीस बहुत ही छोटा था, तो ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये सारी क्रमिंग हुई है इसकी, बड़ी ही ज़बरदस्त हुई है। तो इसको मैंने अभी 160 के टेम्परेचर के ऊपर मैं इसको डीप फ्राइड करने लगा हूँ, आइए आपको दिखाते हैं। तो हाँ, ये मेरा डीप फ्राइड रेडी है, 160 का टेम्परेचर है। तो इसको मैं दूंगा, ये तरीका पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जिंगर डालना है तो एकदम नहीं आपने फेंकना, आपने उसको स्टे करवाना, वेट करवाना, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आपने इसको ऑयल में डिप करना है, ताकि इसकी जो क्रमिंग है वो वैसे ही बरकरार रहे जैसे जैसे आप इसको डिप कर रहे हैं। तो अभी मिलते हैं इंशाल्लाह, 4 मिनट के बाद मिलते हैं, 4 मिनट इसके बाद ये फुल फ्राई हो जाएगा, तो फिर इस तरह हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, बर्गर में हमने क्या लगाना है। जी, तो आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। तो ये मेरे पास एक बर्गर बन रहा है, तो मैं अब इसकी ड्रेसिंग बनाता हूँ कि इसकी ड्रेसिंग जो हम अंदर सॉस लगाते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए,
जिंगर बर्गर के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है केचप और मायोनीज है कुछ, तो मैं अगर आपको बताऊँ कि आपने इसमें थोड़ा सा क्वार्टर टीस्पून के करीब आप सॉल्ट ऐड कर लें, क्योंकि आपने क्रमिंग में डाला है, मैरिनेशन में भी डाला है। क्वार्टर टीस्पून आप चिली ऐड कर लें इसमें, तो आप 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो केचप ऐड कर लें, ऐसे करके केचप ऐड कर लें इसमें मायोनीज के अंदर। तो इसको ऐसे मिक्स कर लें, ये इसकी ड्रेसिंग के लिए हम यहाँ पे ऐसे इस तरह कलर आ जाएगा इसका केचप के साथ। अगर आपके पास केचप नहीं है, गार्लिक चिली है या कोई और चीज़ है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप बेस्ट रहती है वैसे, अगर आप इस्तेमाल करें मायोनीज की जो थिकनेस है वो भी लेवल पे आ जाती है। तो ये हमने इसकी सॉस रेडी कर ली है, ये देखें। तो मेरे पास यहाँ पे है एलोपिनो, मेरे पास एलोपिनो है, तो अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप मत डालें, या ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लूँगा इस तरह, ये देखें मैंने इसको चॉप किया, चॉप इस तरह से करके मैंने, और ये मैंने अपने बर्गर के इसमें डाल दिया इस तरह ड्रेसिंग में, ये मैंने ड्रेसिंग में ऐड कर दिया। ये मेरी ड्रेसिंग इस टाइम फुल रेडी है यार। आइए देखते हैं, मेरा जिंगर भी रेडी हो गया, तो अपने कैमरा मैन से कहूँगा मेरा आए और जिंगर दिखाएं। जी तो माशाल्लाह देखें जी, हमारा जिंगर फ्राई हो रहा है, तो अभी भी इसमें ऑलमोस्ट 30 सेकेंड अभी कम है। तो ये देखें, वाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त क्रमिंग हुई है इसकी, ये टेस्ट भी ऐसे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़रूर होगा इसका, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो अभी हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसको देखते हैं बर्गर में लगाते हैं। जी तो माशाल्लाह देख लें जी, हमारा जिंगर कितना प्यारा रेडी हुआ है। तो इसकी क्रमिंग देखें, क्रमिंग देखें कैसे बना हुआ है क्रमिंग के साथ, और एक एक लेयर आपको इसके अंदर नज़र आ रही है। ये देखें चारों साइडें देखें इसकी, चिकन अंदर है, इसकी क्रमिंग देखें, लेयर्स कैसे नज़र आ रहे हैं। अपना एक बर्गर बन है वो भी मैंने टॉस कर लिया, तो जिंगर तो हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। तो ये देखें जी, मैं इसके ऊपर सॉस लगाता हूँ अपनी इस तरह से, ऐसे ऐसे आप ज़रा थोड़ी सी भर के सॉस लगाएं इसके ऊपर दोनों साइड पे, ऐसे इस तरह। और ये देखें जी, ये मेरा है जिंगर बिग बर्गर, इसको आप कह सकते हैं बिग बर्गर। ये देखें बर्गर से भी माशाल्लाह कितना बाहर आ रहा है, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लुक आनी है इसकी। अगर अब मैं दिखाऊं आपको, तो आपके पास अगर कोई अवेलेबल है सैलड पत्ता है तो आप वो भी लगा सकते हैं इस तरह से, इसकी लुक मज़ीद प्यारी करने के लिए, बेहतर करने के लिए। ऐसे करके यहाँ पर हम लगाएँगे इसमें ऐसे, और हमारा जिंगर रेडी होने वाला है। जी हाँ, तो कोई शक नहीं है, हमारा जिंगर रेडी हो गया। तो इसको हम प्लेट में निकालते हैं ऐसे। तो इसके साथ मैं सर्व करने वाला हूँ सम फ्राइज और सम कोल्सला। ये है जी हमारा कोल्सला, दे दी कोल्सला आ गया हमारा, इस तरह से हम लगाएंगे। इसकी भी मैं रेसिपी आपको बता देता हूँ, सिंपल है रेसिपी। आप लंबा लंबा कट कर लें कैरेट और कैबेज को, गाजर काट लें, बंद गोभी काट लें, इसमें मायोनीज डालें, आइसिंग शुगर डालें, हल्का सा सॉल्ट डालें, तो आपका कोल्सला भी रेडी। तो अभी मैं करूँगा फ्राई इस तरह से करके, वाह जी वाह, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा है, बिग बर्गर लग रहा है। ये देखें, दिखाएं जी कैमरा मैन, ज़रा घुमा के दिखाएं, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है, क्रमिंग इसकी देख लें, और ये खाने में भी इतना ही अमेजिंग लगेगा आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगती हैं, आसान लगती हैं मेरी रेसिपी, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपडेट शेयर करें। थैंक यू, जजाकल्ला।